मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज रेनू तंबोली फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल. सो टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, व्हिच इज अबाउट लर्निंग अबाउट टाइम. ओके, सो बिफोर स्टार्ट टू डू रिवीजन, लेट्स वी समराइज दिस चैप्टर की व्हाट वी हैव रेड इन इट, कि हमने इसमें क्या पढ़ा था. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट वी यूज टू टेल द टाइम, हम क्या यूज करते हैं टाइम्स को, टाइम का पता लगाने के लिए. We use clock to tell time. हम clock का use करते हैं. And we know that कि a clock has, suppose here I'm going to draw picture of clock. Okay, just imagine there's a clock. A clock has number. Clock में number होते हैं, like 12, है ना? Clock has number and how many hands? 2 hands. Bigger hand is called minute hand and the shorter hand is called hour hand. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं? 12 नंबर्स होते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लॉक चैप्टर को रिवाइज करना. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, डिक्टेशन वर्ड्स. नंबर 1 इज पोजिशन एंड नंबर 2 इज मॉर्निंग, नंबर 3 पीरियड, नंबर 4 इवनिंग, नंबर 5 क्लॉक, नंबर 6 इज R, number 7 dictation word minute and number 8 is noon. Number 9 देखिए particular, number 10 is month, number 11 is midnight, number 12 is midday and number 13 is strike. Okay, and number 14 is week, number 15 is calendar and the last dictation word is year. Okay. Okay. So here I'm going to repeat it again. ये वाली साइड में फिर से रिपीट कर रही हूँ. Particular, month, midnight, midday, strike, week, calendar and year. ठीक है? And we know that कि how many days a week has? One week में कितने days होते हैं? 7. Okay? और हम calendar का use कब करते हैं? Calendar का use करते हैं हम ये जानने के लिए कि कौन से month, कौन सा month है और कौन सा day है. ये जानने के लिए. और ईयर क्या होता है बेटा? वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? वन ईयर हैज 12 मंथ्स. ओके, नून मतलब नून का टाइम, दोपहर का टाइम. ठीक है, और ये सारे क्या है? आर मतलब जो क्लॉक का छोटा हैंड होता है वो आर घंटे, है ना, आर्स शो करता है, और मिनट जो बड़ा हैंड होता है वो मिनट्स शो करता है. ओके, मॉर्निंग, और हाँ, मॉर्निंग का मतलब दिन होता है, ठीक है, नाइट का मतलब नाइट होता है. वैसे ही अब देखिए हम क्या है, मॉर्निंग टाइम में सन के थ्रू, सन की जो पोजीशन है उसके थ्रू भी हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये भी हमने पढ़ा था इस चैप्टर में. ओके, तो शुरू करते हैं अपना. ओके, तो रिवीजन नेक्स्ट क्वेश्चन से वापस से. नंबर 2 क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 2 क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है. नंबर 2 क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 सेंटेंस इज हियर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. वन ईयर में, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12. नंबर 2, वन डे इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. वन डे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 5 पार्ट्स में, लाइक मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, इवनिंग हो गया, है ना, ऐसे क्या होता है? 5 पार्ट्स होते हैं डे में. नंबर 3, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग. सन कब उगता है? मॉर्निंग में. सूर्योदय मॉर्निंग में होता है. देयर आर 7 डेज इन अ वीक. वन वीक में कितने डेज होते हैं? 7. नंबर 5, द सन सेट्स इन द इवनिंग. सनसेट कब होता है? इवनिंग में. नंबर 3 क्वेश्चन, पुट ट्रू फॉर पुट राइट, है ना, पुट राइट फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स, क्रॉस साइन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, नंबर 1 स्टेटमेंट इज हियर, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. क्या हम स्कूल में, हम मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं? यस, इट्स ट्रू. देयर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर. वन ईयर में 10 मंथ्स होते हैं? नो, इट्स फॉल्स. नंबर 3, वन डे इज डिवाइडेड इनटू सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स. क्या एक दिन वन डे सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स में डिवाइडेड होता है? यस. नंबर 4, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24, 24 घंटे होते हैं एक दिन में. ओके, सो इट विल बी ट्रू. नंबर 5, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे. क्या वीक का लास्ट डे मंडे होता है? नो, इट्स फॉल्स. ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग व्हिच इज द मोस्ट इजियर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. क्लॉक शो अस टाइम,
March, it's a month. 12 months, a year has how many months? 12 months. Week, a week has 7 days. A day has 24 hours. Clear to you, students? Now moving to the next question. Question number 5, name them. Okay, it's also a very easy question. Number 1, this tell us time. यहाँ हमें टाइम बताती है कौन टाइम शो करता है हमें क्लॉक सी एल ओ सी के 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर नंबर 3 व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 ओ क्लॉक एट नाइट जब क्लॉक में रात के 12 बजते हैं 12 ओ क्लॉक टाइम होता है स्ट्राइक्स मतलब बजते हैं तो क्या होता है वो मिड डे अगर ऐसे बेटा नाइट की जगह यहाँ पे डे लिखा होता तो हम यहाँ पे मिड डे लिखते मिड नाइट नहीं लिखते ओके नाइट दे रखा है और रात के समय 12 ओ क्लॉक टाइम होता है क्लॉक में तो वो मिड नाइट होता है और यही यहाँ पे डी ए वाई डे आ जाता नाइट के प्लेस पे तो मिड डे हो जाता क्लियर नंबर 4 क्वेश्चन द टाइम बिफोर नून से पहले का टाइम हम ए एम में कैलकुलेट करते हैं एंड द टाइम आफ्टरनून और आफ्टरनून दोपहर के बाद का जो टाइम होता है उसे हम पीएम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं ओके नंबर 6 क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 टू मंथ्स नेम दो मंथ्स नेम लिखना है लाइक जनवरी एंड फेब्रुअरी आप जून जुलाई भी लिख सकते हो है ना कुछ भी लिख सकते हो 12 मंथ्स में से एनी Two months name you can write here. Number 2 question, two parts of a day. Morning, evening. Number 3, two days of week. Sunday, Monday. Number 4, two hands of a clock. Hour and minute. Question number 7, give answer in one word. Okay, aapko questions ke according answers likhna hai. नंबर 1 क्वेश्चन व्हाट इज द कॉल द टाइम व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक 12 जब क्लॉक में 12 ओ क्लॉक टाइम होता है तो उसे हम मिड डे कहते हैं ओके अब देखिए यहाँ पे नाइट और कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया 12 के बाद में तो आप सीधा मिड डे लिखेंगे ओके नंबर 2 क्वेश्चन व्हिच थिंग हेल्प अस टू नो व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट कौन सी चीज का हम यूज करते हैं क्या पता लगाने के लिए या क्या जानने के लिए कि व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट वीक का कौन सा डे चल रहा है संडे चल रहा है मंडे है ट्यूसडे है वेनसडे है फ्राइडे है सैटरडे है या कौन सा डे है हम कैलेंडर का यूज करते हैं सी ए एल ई एन डी ए आर कैलेंडर क्लियर नंबर 3 क्वेश्चन व्हेन द सन इज ओवर आवर हेड जब सन हमारे हेड के ऊपर होता है ऊपर होने का मतलब ये नहीं है कि सूरज हमारे सर के ऊपर आके बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है नहीं मीनिंग इज दैट कि क्वेश्चन ये पुट कर रहा है जब सूरज के क्या होते हैं सन की बहुत ज्यादा क्या होती है कड़क तेज धूप हमें महसूस होती है ना व्हेन द सन इज ओवर आवर हेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा टाइम जब बहुत ज्यादा क्या हो बहुत ज्यादा हमें सन की हीट फील होती हो गर्मी फील होती हो एट नून टाइम में दोपहर के समय में सूरज क्या होता है बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाता है उसकी जो सनलाइट होती है ना बहुत ज्यादा क्या हो जाती है हार्श हो जाती है ना तो एट नून आंसर होगा दोपहर के समय में क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट कम्स आफ्टर द सन सेट्स होने के बाद में क्या आती है मतलब सन के चले जाने के बाद में सूर्यास्त होने के बाद में कौन सा टाइम स्टार्ट होता है नाइट NIGHT नाइट क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी हैंड्स अ क्लॉक हैव क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं 2 हैंड्स एज आई टोल्ड यू बिगर हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड एंड द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड ओके क्वेश्चन इज डिफाइन नंबर 1 वर्ड इज क्लॉक आपको क्लॉक को डिफाइन करना है क्लॉक को कैसे डिफाइन करेंगे इट टेल्स अस टाइम हमें क्लॉक टाइम बताती है मॉर्निंग व्हेन द सन राइज व्हेन द सन राइजेस ओके इवनिंग When the sun sets, okay? Morning में क्या होता है सन आता है और इवनिंग में चला जाता है मीनिंग इज दैट सनराइज कब होता है मॉर्निंग में और सेट कब होता है इवनिंग में ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इज यर हाउ मेनी डेज इन अ वीक एक वीक में कितने डेज होती हैं आंसर देयर आर 7 डेज इन अ वीक लाइक संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे How many days in a week? There are 7 days in a week. Clear? Question 2. How many months make a year?
कितने मंथ्स है वो है, कितने मंथ्स वन ईयर बनाते हैं, एक साल में मतलब कि कितने मंथ्स होते हैं बताइए, 12 मंथ्स मेक अ ईयर, लाइक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड लास्ट वन इज दिसंबर, 12 मंथ्स होते हैं ओके. क्वेश्चन 3, व्हाट इज हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ द डे. अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझने का है बेटा, व्हाट इज हेल्प अस टू नो द टाइम. अब देखिए टाइम ऑफ द डे, अब टाइम आते हैं आप सीधा क्लॉक लिख देते हो आंसर में, आपको क्लॉक नहीं लिखना है, यू हैव टू रीड क्वेश्चन बी केयरफुली. क्वेश्चन इज हियर द टाइम ऑफ द डे, डे टाइम में, डे में टाइम को जानने के लिए कौन हेल्प करता है. जैसा मैंने आपको बताया कि हम सन की पोजीशन के थ्रू भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं डे टाइम में. तो देखिए द टाइम ऑफ द डे, डे आ गया डे, तो आपको सीधा आंसर सन लिखना है, क्लॉक मत लिख देना ओके, क्लॉक लिखते रॉन्ग हो जाएगा ये. देखिए आंसर क्या होगा, द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई, सन की जो पोजीशन होती है स्काई में आसमान में, हेल्प अस टू नो, जो हमारी हेल्प करती है जानने में द टाइम ऑफ द डे, डे का टाइम जानने में सन की पोजीशन स्काई में हमारी हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल जब सन क्या होता है बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हेड पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है मतलब, तो कौन सा टाइम होगा, मतलब तेज धूप पड़ती है तो नून टाइम होगा ठीक है. अब जब सन की लाइट बहुत ही ज्यादा क्या होती है एकदम डिम पड़ जाती है तो वो इवनिंग होता है ना. और सन की लाइट क्या होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है ना, और क्या होता है कि इतनी ज्यादा हमें गर्मी नहीं लगती और हमें अच्छा कूल सा फील होता है, वो मॉर्निंग टाइम होता है ओके. और हम दोपहर में अपनी जो शैडो होती है अपनी परछाई के थ्रू भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं ओके स्टूडेंट्स. एंड वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रिवीजन क्लास, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ एंड कलर अ क्लॉक. आपको क्लॉक की पिक्चर बनानी है, ड्रॉ करना है, उसमें क्या करना है फिर कलर्स भी फील करना है ओके स्टूडेंट्स. सो टुडे वी कंप्लीटेड रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, लर्निंग अबाउट टाइम, एंड वी ऑल्सो हैड लर्नड अबाउट टाइम ओके. सो कीप लर्निंग, रिवाइज दिस चैप्टर एंड स्टार्ट टू डू लर्निंग ओके, बिकॉज वी नो दैट कि एग्जाम आ गए हैं अब अपने ओके फाइनल टर्म. So all the very best for your upcoming exam and start to do your learning. Bye bye. We will meet in the next class. See you.